तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव पॉडकास्ट में। और आप सभी को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज से पॉडकास्ट की एक नई सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, और जिसमें मैं आपका होस्ट हिमांशु थपलियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं पूनम खनुजा मैम, जिनका टाइम हमें आज मिला है। उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैडम का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम हमें दिया और आज हमारे इस पॉडकास्ट में आ पाई हैं। पेशे से आप एक लाइफ कोच हैं, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हैं और NLP प्रैक्टिशनर हैं, और भी बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जिनकी आप जानकार हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को उनके जीवन में चैलेंजेस से उबरने में आप मदद करती हैं, लोगों की सहायता करती हैं। तो मैडम आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। हिमांशु जी, बहुत बहुत थैंक यू। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में समय देने, मैंने भी अपना समय दिया और आपने भी मेरे लिए समय निकाला जिसके लिए आपने मुझे अपना गेस्ट चुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद पूनम जी। तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारे दर्शक पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आपका परिचय काफ़ी बड़ा है, क्या इतना मुझे याद नहीं रह पाया, तो हो सकता है बहुत चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, तो एक बार मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, थोड़ा आप इंट्रोड्यूस कराएं अपने बारे में हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम खनोजा, मैं इंदौर सिटी से बिलोंग करती हूँ। इंदौर में मेरा जन्म हुआ है, मैं इंदौर सिटी में रहती हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हूँ, NLP प्रैक्टिशनर हूँ, लाइफ कोच हूँ, जो कि मैं कई सालों से ये सब चीजें करती आ रही हूँ, जिसका मुझे 18 सालों से एक्सपीरियंस है। रेफ्लेक्सोलॉजिस्ट हमारे इसमें बहुत लोगों में सुनना में आती है कि बहुत नई सी चीज लगती है कि रेफ्लेक्सोलॉजी क्या होती है। रेफ्लेक्सोलॉजी बहुत नई चीज नहीं है, प्राचीन काल में जो चीजें एक्यूप्रेशर्स के थ्रू, जो लोगों ने सुनी होगी कि पॉइंट्स के थ्रू हमारे हाथों और पैरों में जो पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने के बाद हम सारी बीमारियों को उससे निजात पा सकते हैं। आज की मैं बोलूँ कि दिनचर्या में लोग बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि माइग्रेन हुआ तो माइग्रेन का इलाज चल रहा है ना, छोटी मोटी बीमारी, सर्वाइकल हुआ है ना, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इन सब के पीछे काफी सारे लोग परेशान हैं जो दिन रात डॉक्टर्स के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि सर पेन नहीं जा रहा है, इतनी सारी दवाइयां ले ली फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमने एक्सरसाइज कर ली फिर भी हमें रिलैक्स नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये उन सब चीजों से निजात पाने की एक बहुत छोटी प्रक्रिया है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी मेडिसिन के। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में और जाने और इसको समझें, और इसके साथ में इस सब चीजों का भी आप अपनी मेडिसिन के साथ में एक बार आप रिफ्लेक्सोलॉजी को भी यूज करें ताकि आपको पता लग सके कि हाँ, ये भी एक चीज है जिसके यूज करते हुए, जिसकी आप सेवाएं लेते हुए अपने सारे मेडिसिन को दूर हटाएंगे और बिना किसी साइड इफेक्ट की आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा वर्क होगा। जी मैडम, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, मुझे इसके भी बहुत अलावा आप ज़्यादा जानना चाहेंगे कि आप जी मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में थी, आपके माध्यम से ही पता चली, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी पहली बार पता लगी है। जिन जिन लोगों ने पहली बार सुना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में आपने जो जाना है, सर, क्या आप देखिए और भी कुछ जानना चाहते अभी हैं तो कमेंट करके बताएं, साथ साथ में कमेंट्स भी करते रहें तो हमें इसका पता लगेगा। तो मैडम हम आपसे और जानना चाहेंगे इसके अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी की, अपनी आपने बातें की, आप एज अ लाइफ कोच भी काम कर रही हैं और साथ ही साथ आपने अलग अलग होलिस्टिक सेंटर्स के माध्यम से भी लोगों की मदद की है, लोगों को की वेलबींग में, तो ये जर्नी आपकी किस तरीके से चल रही है और प्रेजेंट में आप अपनी सर्विसेज जो हैं किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहे हैं? सर, देखिए ये जर्नी 18 सालों से चल रही है। काफी सारे सेंटर्स हैं इंदौर में हमारे, जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज दे रहे थे। हाल ही में हमने अपना एक बहुत बड़ा सेंटर ओपन किया है इंदौर में ही, अनूप नगर में, जो कि जी स्थिर है अभी, अनूप नगर 129, अनूप नगर में CHL हॉस्पिटल के जस्ट सामने। सर, वहां पर हमने बहुत सारी चीजें रखी हैं और प्राकृतिक से जोड़ते हुए हमने बहुत सारी चीजें रखी है। जैसे कि आज की दिनचर्या में इंसान सुबह उठते से ही, जब वो उठता है तो चाय के साथ में उसकी सबसे पहले उसके अंदर एक मेडिसिन जाती है। पहले ये सर रहा करता था कि घर में कहा जाता था कि बेटा चाय के साथ 2 बिस्किट रख दो, और अब कहा जाता है बेटा चाय के साथ में वो मेडिसिन भी ले आना, हमको शुगर मेडिसिन लेनी है, हमें थायराइड मेडिसिन लेनी है। तो सर, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज जो जीवन शैली लोगों की हो चुकी है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं, वही सब चीजों को कहीं ना कहीं हम
पीछा छोड़ते हुए हम चाहते हैं कि प्राकृतिक नेचुरली लोग अपनी दिनचर्या को शुरुआत करें, है ना। तो जिसके लिए हमने उनके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हैं, बिल्कुल नेचर के साथ जोड़ते हुए हमने नेचुरोपैथी रखा है अपने सेंटर में, पंचकर्मा रखा है, इसके अलावा स्लिमिंग सेंटर हमने स्टार्ट किया है जो कि बिना मेडिसिन के आप अपना वजन घटा सकते हैं, बिना किसी पाउडर लिए, प्रोटीन पाउडर या बिना किसी वर्कआउट को चूज करते हुए आप स्विमिंग को चूज करके एक बार देखें, आप इसकी सुविधाओं को लेते हुए देखें, आपको समझ में आएगी कि ये बिना मेडिसिन के भी हमें हमारे वजन को कम करने में काफी अच्छा इसका एक भाग है हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है और रिफ्लेक्सोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है। तो जितने भी चीजें आज हमने अपने सेंटर में ओपन की हैं सर, तो उसमें सबसे अच्छी चीज हमने ये यही है कि हमारे सेंटर में जितनी भी चीजें लाए हैं वो सब बिना मेडिसिन के और प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा है, आज की जनरेशन और आज के जो लोग हैं जो बिल्कुल जूझ रहे हैं हमारे सारे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स के साथ में, साइड इफेक्ट्स के साथ में, स्टीरॉइड्स के साथ में, उन सबसे दूर हम काफी चीजों नेचुरल वे में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको सबको उस चीज से अवगत कराने के लिए हमारा एक सेंटर हमने ओपन किया है जो कि इंदौर में 129 अनूप नगर में है। ओके ओके मैम, तो काफी अच्छी जानकारी आपसे मिली। और वास्तव में ये चीजें आज के समय में लोगों के साथ में है, क्योंकि समय के साथ में सबका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, वर्किंग स्टाइल चेंज हुआ, और जी स्ट्रेस स्ट्रेस और एनजाइटी से बहुत लोग जूझ रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि इसका वास्तविक समाधान लोगों का ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे हमारे लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। तो किसी दवाई के माध्यम से तो हम लाइफ स्टाइल को सही नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी जो टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि कई बार क्या है, दवाइयों के नाम पर जो आपने अभी स्टेरॉइड्स वगैरह की जानकारी दी है, तो किस तरीके से स्टेरॉइड्स तो हम ले लेते हैं, एक इंस्टेंट रिलीफ तो लोगों को मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो व्यक्ति को कितना नुकसान करता है, वास्तव में इसके बहुत एग्जाम्पल्स लगातार हमें देखने को मिलते हैं। और आज लगातार ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरीके की तमाम जो बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से हमारी लाइफ स्टाइल का इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उनके कारण ही ये डिजीजेज होती हैं। तो सर, आज डॉक्टर्स अवेयर अवेयर नहीं कर पाते हैं लोगों को कि जी आज क्या है। एक्चुअली सब चाहते हैं इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ। मुझे अगर हेडेक हुआ है तो इंस्टेंट मैंने डिस्प्रिन ले लिया, मुझे अगर स्टमक पेन हुआ है तो इमीडिएट मैंने बैनाडोल ले ली। तो क्या होता है, ये आपको इंस्टेंट तो दे रही है पर आप क्या जानते हैं कि लॉन्ग टाइम ये सब लेते लेते आपकी किडनी पर उसके कितने साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या ये एक डॉक्टर आपको बताएगा? आपको पता है ये सब लेते लेते आपके लीवर्स पे उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं? कभी भी डॉक्टर आपको वो नहीं बताएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्राकृतिक नेचुरली आप जितने चीजों से जुड़ेंगे नेचुरली, पहले के जमाने में हमारी हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ क्यों हमें हमारे किचन से ही चीजों को प्रोवाइड करते हुए हमें वो देती थी, बेटा गैस हो रही है अजवाइन ले ले, बेटा पेट दुख रहा है सौंफ ले ले, बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हींग का पानी लगा ले, क्यों? और जब तो ये डॉक्टर्स इतने नहीं थे तब हमारे बच्चे कैसे इतने स्वस्थ रहते थे, इन्हीं सब चीजों से रहते थे ना। तो वही मैं चाहती हूँ कि आज जितनी प्राकृतिक चिकित्साओं को आप अपने अंदर वापस से एक बार लेना स्टार्ट करते हैं तो उतना ही बेनिफिट आपके शरीर को लॉन्ग टाइम बहुत स्वस्थ रखता है। इसके साथ में अभी लोगों ने मैंने एक चीज और अपने यहाँ सेंटर में ओपन किया है जो है कि गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार भी सर एक ऐसी चीज है जिसमें काफी लोग अवेयर नहीं है। आज की लाइफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण क्या होता है कि जब बच्चे प्रेग्नेंट होते हैं, जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है, उन्हें वो अवेयरनेस नहीं मिल पा रही है कि कैसे हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार डालें, कैसे हमारी हम रूटीन फॉलो करें। क्या होता है सर, एक-एक चीज के लिए आजकल के बच्चे डॉक्टर्स के पास भागते हैं, हमारी बॉडी को क्या सूट करेगा, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, हमें कैसा योगा लेना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इसमें आजकल लोग 5,000 उस डॉक्टर के कंसल्टेशन फीस दे रहे हैं, 5,000 उस कंसल्टेंसी को दे रहे हैं, सब कुछ को दे रहे हैं, पर फिर भी क्या वो इतने अवेयर हो पा रहे हैं कि हाँ उन्हें आज की तारीख में खुश कैसे रहना है। एक माँ बनने से पहले, एक माँ बनने के जो शुरू होता है, जो एक जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो स्टार्टिंग उसकी कैसे उसके जीवन में होनी चाहिए,
है ना, कैसे वो अपने आप की दिनचर्या से दूर रखते हुए अपने बच्चे को अपने आप से कनेक्टिविटी ला सके, खुश रह सके। तो आज की जो दिनचर्या है, कई उसमें लेडीज हैं जो वर्किंग है, कई लेडीज हैं जो उसमें अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती हैं। तो गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रणाली है कि जिसे सुनते हुए, जिसकी चीजों को अपनाते हुए वो अपने ऊपर और अपने साथ अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से एकदम उन्हें अपने 9 मंथ का जो उनका समय है वो बहुत अच्छे से निकाल सकती हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और मतलब एक तरह से जो लाइफ कोच एक शब्द है, कई बार मुझे लगता था कि ये लाइफ कोच क्या होता है, लेकिन अभी आपकी बातों को सुन करके मुझे अब समझ में आ रहा है कि लाइफ कोच का मीनिंग है कि जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाए, और उसको करने में जो अदर चीज़ें होती हैं वो सहायक सिद्ध होती हैं। जैसे आपने कहा कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसमें आपने रिफ्लेक्सोलॉजी की भूमिका बताई बीमारियों को दूर करने में। ऐसे आपने कहा कि शरीर के बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, लाइफ स्टाइल के कारण चाहे होती हैं, चाहे हमारी आदतों के कारण, दिनचर्या के कारण होती है, तो उन सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, इसको हम हल कर सकते हैं। और आपने इसको लेकर के अपना सेंटर भी ओपन किया है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को समर्पित किया इस कार्य के लिए। इसके लिए मैं आपको बधाइयां भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग अगर देश के हर एक कोने कोने में इस तरीके के कार्य को करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज WHO की जब रिपोर्ट्स आती हैं, हम देखते हैं भारत में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है, तो उस स्थिति को हम कैसे सही कर सके, कैसे अच्छा कर सके, इसमें आपके जैसे जो वेलनेस सेंटर्स हैं, जो होलिस्टिक लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अग्रणी भूमिका निभाएंगे। और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी का भी कहना था, उनका कहना था कि देश में डॉक्टरों से ज्यादा वेलनेस एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में आप लोगों ने जो ये कदम उठाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा ये सारी जो आपकी यात्रा है, क्योंकि सारा ज्ञान तो आपके पास तो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, तो एक ही पॉडकास्ट में सारी जानकारियां तो हम आपसे नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जब आपने पिछले, आपने कहा कि 18 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है, जिसमें वेलनेस की इंडस्ट्री में आपने लोगों को मदद की है अलग अलग तरीके की इन समस्याओं से निजात पाने में, इन समस्याओं का समाधान करने में, और ऐसे ही आप NLP, हिप्नोटिज्म और ये तमाम प्रकार की जो थेरेपीज होती हैं, इनके माध्यम से भी लोगों की मदद करते हैं, तो पिछले 18 वर्षों के अनुभव में कुछ ऐसे मोमेंट आपको अक्सर याद आते होंगे। हो सकता है कई बार नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके का मोमेंट होता है, तो कुछ ऐसा मोमेंट हो जिसने आपको अंदर तक प्रभावित किया हो, जहाँ पे आपने किसी की मदद की हो और उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो, ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद आए तो बेशक जी दर्शकों से शेयर जरूर करें। जी 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 ये इस तरीके की सारी चीजें हिमांशु जी हमारे सारे प्रोग्राम्स में बहुत कुछ बहुत बार देखने को मिलती है। हाँ, पर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हमारी काउंसलिंग के थ्रू, हमारी समझाइश के थ्रू लोग हमें इतना अपना मानते हैं कि अगर हम उन्हें समझाते हैं उन सब चीजों में, तो लोग अपने आप के जीवन शैली को तो चेंज करते ही करते हैं, प्लस अपने आसपास के लोगों से भी अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज गलत है तो वो उन्हें भी समझाते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी हमारे साथ होता है कि हाँ, जब हम काउंसलिंग लेते हैं, जब हम NLP करते हैं, जब हम लोगों को समझाइश देते हैं, तो उसमें हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें मुझे सबसे अच्छा जो एक मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा जो पार्ट है वो मुझे बहुत अच्छे से याद भी है, और जो बहुत अच्छा है लोगों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि मेरे सामने बहुत, अभी कम से कम कोविड के बाद से जो केसेस आए हुए हैं वो डाइवोर्स केस बहुत आए थे, रिलेशनशिप्स बहुत खराब हुई थी, क्योंकि क्या ना तो हस्बैंड को आदत थी इतना टाइम अपना घर में देने की, अपने वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने की, और ना ही वाइफ को भी वो सब आदतें थी कि इतना टाइम हमें हस्बैंड के साथ बिताने को मिलेगा। तो इसमें कई लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे बन भी गए, और कहीं ये भी हुआ कि कई लोगों के रिश्ते बिल्कुल टूटने के कागार पे आ गए, यानी समझ लीजिए कि वकीलों को बहुत अच्छा बिजनेस मिल गया था कि कोविड के बाद से जैसे एक मेडिकल्स वालों की सुनने में आई थी कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल्स बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरीके से कोविड के जस्ट बाद से कोर्ट में लॉयर्स की काफी डिमांड्स हो गई थी, जी जिसमें ज्यादातर केसेस इसी के लगे थे, फैमिली कोर्ट्स में कि डाइवोर्स पे आ चुके थे लोग। तो उसमें सिर्फ मैंने कम से कम 2 से 3 लोगों की काउंसलिंग कर दी जो बिल्कुल डाइवोर्स पे उनका हो गया था, कि बिल्कुल डाइवोर्स अब पक्का ही है, वो लोग एक साथ नहीं रह सकते। कई लोगों को घर में रहते रहते काफी चीजों की आदत पड़ गई थी, बुरी चीजों की आदत पड़ गई थी, उन सब चीजों से उनको निकालते हुए, उनके काउंसलिंग करते हुए कई चीजों को हमने सपोर्ट किया, और काउंसलिंग में ये समझ में आया सर कि हाँ, हो सकता है कि रिश्ते वापस से अच्छे बन सकते हैं और बनते भी हैं। और वही चीज हमने कोविड के बाद लोगों के साथ स्टार्ट करी, हमने जब उन्हें काउंसलिंग ली पीछे का प्रॉब्लम्स को जानते हुए, हमने उन सब चीजों से उनको वापस से उभारा, और आज सर कई रिश्ते ऐसे हुए हैं हमारे से
काउंसलिंग के थ्रू कि कई रिश्ते वापस से जुड़ गए हैं और आज बहुत ही अच्छी और बहुत हैप्पीली लाइफ वापस से वो लोग एक साथ बिता रहे हैं। तो सर ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आप जब टेंशन में हैं या आपने जब एक बार डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन बिल्कुल तय हो जाता है कि पत्थर की लकीर हो जाती। कई बार किसी की अच्छी काउंसलिंग से भी आपकी वो सारी चीजें आप समझ भी सकते हैं और अपने आपकी जीवन शैली को बदल भी सकते हैं। तो सर बिल्कुल बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा हम लोगों के साथ लाइफ में हमारे रिजल्ट्स को देखते हुए हमारे साथ एक बहुत अच्छा वो रहा है कि कहीं हम लोगों ने लोगों की जिंदगियों को बिखरते हुए बचाया है और उन्हें वापस से एक साथ किया है। बिल्कुल 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 ठीक। तो काफी अच्छा आपने बातें बताई कि रिलेशनशिप कीपर में आपने बहुत ज्यादा काम किया है, और कहीं ना कहीं रिश्तों को बचाने का वास्तव में एक बहुत महान कार्य भी माना जाता है, क्योंकि रिश्ता जब एक बार बनता है तो कहीं ना कहीं ये कोई बाजार से खरीदने वाली चीज़ नहीं कि एक एक दिन में इसको बदला जाए, और पूरा जीवन जो होता है, एक समय जो होता है, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। तो आपने उन चीज़ों को सेव किया, तो कहीं ना कहीं उनके उन लोगों के जीवन को भी आपने ट्रांसफॉर्म किया, और उनकी जो आगे की जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो पेरेंट्स के फॉर्म में जो एक केयर और जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो प्यार मिलना चाहिए, उससे वंचित होने से आपने उन्हें बचाया। तो वास्तव में एक बहुत महान कार्य है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे कुछ और? सर बाकी सारी चीजों की सर्विसेज जिस तरह से मैंने बताया है कि रेफ्लेक्सोलॉजी है, डीएमआईटीज है, सर डीएमआईटीज के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। डीएमआईटी एक ऐसी चीज है कि जिसमें बच्चों का इंटरनली जो अंदर एक गॉड गिफ्ट बच्चों के अंदर रहता है वो उभर के वो उन चीजों को कैसे सामने दिखाए। कई बार होता है सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की खूबियों को नहीं जान पाते कि हमारे बच्चे में क्या खूबी है। हम बच्चे को कैसे जाने कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे हम जाने कि हमारा बच्चा किस चीज में अच्छा कर सकता है, कैसे उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर डीएमआईटी उसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। डीएमआईटी एक ऐसी चीज है कि स्कैनिंग के थ्रू आपके टोस की स्कैनिंग के थ्रू हम उसकी स्कैनिंग कराते हैं और जिसके साथ साथ में स्कैनिंग के बाद एक 78 पेजेस की एक रिपोर्ट बनती है बच्चे की पूरी। उसमें आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, क्या एक्टिवनेस आपके बच्चे में लानी चाहिए, कौन सा कलर आपके बच्चे को सबसे ज्यादा सूट करता है, आगे जाके कौन से सब्जेक्ट में आपका बच्चा और ज्यादा आगे से आगे बढ़ पाएगा और जिसमें आपको करियर में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, करियर को भी चूज करने के लिए उसमें कौन से सब्जेक्ट को चूज करे जिससे वो अपने आगे के करियर को बहुत अच्छा बना सकता है। तो उसमें डीएमआईटी भी काफी अच्छा हेल्प करता है सर। और ये एक इनबिल्ड बोल सकते हैं कि बच्चे में खुद में एक खूबी रहती है जो कि माता पिता को अवेयरनेस के थ्रू हम लोग पहले से बता देते हैं। और इसमें सबसे बिल्कुल अच्छी चीज है कि ज्योतिष के पास आज अगर हम जब जाते हैं तो ज्योतिष है ना आपके हाथ की रेखाओं को देखते हुए आपको बताता है। और हाथ की रेखाएं सर जहां तक मैं जानती हूँ, जहां तक मुझे इसका थोड़ा सा नॉलेज है, वो ये है कि कर्मों के साथ में आपकी जो हस्त रेखा है वो चेंज होती रहती है। पर बिल्कुल सर ये बिल्कुल टोस जो रहते हैं ये टोस तहा जीवन यानी एंड ऑफ द लाइफ तक इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। कई ओके लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैम जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी तो क्या ये वैसे वैसे काम करेगा, या एक बार जो आपने हमें रिपोर्ट बना दी है वो हमें तहा उम्र काम करेगी। तो ये ओके बिल्कुल मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये हस्त रेखा नहीं है, ये जो चीज है ये हमारे टोस से शुरू होती है जिसकी स्कैनिंग की जाती है और ये तहा उम्र एक जैसा ही रहता है। ओके इनबिल्ड आपके बच्चे में जो भी खूबियां हैं उसके बारे में आपको डिफाइन किया जाता है जो लास्ट मोमेंट तक उसके साथ रहती हैं। ओके ओके तो काफ़ी अच्छी जी जानकारी आपने, एक नया ज्ञान भी आपने हमें दिया डीएमआईटी के बारे में। रियली बहुत सारे दर्शकों ने पहली बार जाना होगा, कमेंट करके वो ज़रूर बताएंगे कैसा उन्हें लगा और क्या कुछ और भी वो जानना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के फॉर्म में मैम हमारे साथ हैं। आगे भी कुछ सेशंस में हम उनको बुलाएंगे ताकि हमारे दर्शकों के और प्रश्नों का भी जवाब दें। मैं मैडम आपसे ये बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल के जो अधिकांश जो दर्शक हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या जी युवाओं की है, यूथ की है, और उसमें स्पेशली जी वो लोग ज़्यादा हैं जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के अलावा स्टूडेंट लाइफ का जो एक अंतिम पड़ाव होता है जहाँ पे लोग करियर के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो एक जी 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 अनएम्प्लॉयड की फॉर्म में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या जी सजेशन देना चाहेंगी, कुछ ऐसी टिप्स उनके लिए, उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से उन्हें जो दैनिक जीवन में जो उनको एक चैलेंजेस फेस करने होते हैं अक्सर, है ना, एक परीक्षाएं देनी है, परीक्षाओं का प्रेशर है, और कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से भी उनके ऊपर एक दबाव होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और घर वालों को फेस करना होता है, बहुत कुछ होता है, तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर
से मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने लाइफ में सबसे पहली बात कि डिप्रेस ना हो, क्योंकि आजकल सबसे पहले कि पेशेंस कम होने के कारण सबसे पहले व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है कि आज मैंने ये करने की चाह रखी बट मेरे से नहीं हो पाया, सुसाइड केस पे लोग चले जाते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें बहुत गलत है। मैं उनसे एक ही दरखास्त करूंगी कि जब भी आपको लाइफ में इस तरह की कोई आपके सामने असमंजस की आती है, स्थितियां आती है जिसमें आप कोई फैसले नहीं ले पाते, तो उसमें मैं चाहूंगी कि आप एक बार जरूर काउंसलिंग करें, पहले एक बार अपने दिल की बातें किसी से शेयर करें, जहां आपको ऐसा लगता है कि एक बार अगर आप किसी से शेयर करते हैं और वहां से आपको सही राह मिलती है जिसमें अपने लाइफ में आप अबंडेंस चेंजेस देखते हैं कि बिल्कुल एकदम ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ये मुझे मिला है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक्सपर्ट से जरूर मिले और अपनी सारी बातों को साझा करें और डेफिनेटली यू विल गेट योर रिजल्ट। सो डिप्रेस काफी लोग हैं आज की तारीख में जिन्हें नहीं समझ में आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हम जैसे लोग उनकी तहा उम्र सर्विस देने के लिए अपने यहाँ पर बिल्कुल बैठे हैं। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों को जहां भी हमारी जरूरत पड़े तो वो हमसे एक बार मिले और अपनी सारी दिक्कतों से दूर होने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए हम अपने बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट उनको दे सकें। डेफिनेटली डेफिनेटली। और मैडम आप लोगों की जो सर्विसेज हैं ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, तो श्योर आप दोनों टाइप दे जी सकते जी हैं। तो जो इंदौर और उसके आसपास के हमारे दर्शक हैं वो इनका जो सेंटर है हीलिंग ब्लिस, वहाँ पर जाकर के भी सर्विसेज ले सकते हैं। और जो लोग कहीं दूर हैं दूसरे स्थान पर हैं, तो आप वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान इनसे ले सकते हैं। फिर भी किसी को समस्या है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हमारे इस कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैम आए तो उनसे हम आपके प्रश्नों के जवाब ले सकें और आपको भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल सके अपने घर पर बैठे हुए, और आप उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आज हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ मैम का, कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आज के इस वेबिनार को, आज के इस पॉडकास्ट को आपने यहाँ पे मेमोरेबल बना दिया, यादगार बना दिया। अब मैं लास्ट में चाहूंगा आपको एक टिप्स अगर देना चाहें, क्योंकि देखिए अभी हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई उम्रदराज व्यक्ति है, चाहे कोई प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हैं, सब लोगों के लिए एनजाइटी, डिप्रेशन और ये तमाम चीज़ें, या टेंशन, स्ट्रेस, ये बहुत सारा जीवन में है। तो क्योंकि आप रिफ्लेक्सोलॉजी की भी एक्सपर्ट हैं, तो कोई एक टिप आप देना चाहेंगे कि कुछ ऐसा बॉडी का कोई एक ऐसा पॉइंट हो, हाथों का, पैरों का कोई पॉइंट हो, किस तरीके से उसको लोग यूज़ कर पाएं, ताकि एक सीख लोग लेकर यहाँ से जाएं और फिर दोबारा वापस आएं कि क्या बिल्कुल उन्हें रिजल्ट मिला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब भी ऐसा लगता है कि वो कहीं बैठे हुए हैं और उन्हें हेडेक एकदम से स्टार्ट हो जाता है, बहुत लोगों की आजकल एक दिनचर्या में होता ही है कि ऑफिस में सिस्टम के सामने बहुत देर बैठने के बाद लोगों को हेडेक स्टार्ट हो जाता है, या फिर बिना कुछ खाए जब सुबह से कुछ नहीं खाया, एसिडिटी जब बॉडी में बढ़ जाती है तब उन्हें बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है। उसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट है जो कि मैं अभी हाथ से आपको बताना चाहूंगी कि हमारे अंगूठे के जस्ट नीचे एक पॉइंट है जिसको आप प्रेस करेंगे काफी टाइटली। जब आप प्रेस करते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब आप उसे प्रेस करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि थोड़ी देर में यानी एक 5 से 7 मिनट में आपको कितना रिलीफ मिलने लगता है आपके हेडेक में। तो एक बार आप ओके इसको जरूर ट्राई करें। और सेकेंडली जब आप लाइक मॉर्निंग में जब उठते हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोगों का बिल्कुल मन नहीं करता उठने का, हमेशा 2 मिनट 2 मिनट से 5 मिनट 5 मिनट से 10 मिनट। तो मैं एक उनको एक मुद्रा भी बताऊंगी कि जो काफी बेनिफिट्स है लोगों के लिए, उसको बेनिफिट ओके मिलेगा उसको करने के बाद। हमेशा अपने सारे फिंगर्स के टोस को हमेशा इस तरीके से मिलाएं और उसे पूरी तरीके से प्रेस करें, 1 2 3 4 एंड 5। आप ओके 5 टाइम इसको प्रेस करें और 2 सेकंड रुकने के बाद अगेन 5 टाइम आप उसको प्रेस करें और आप देखें कि कितना अच्छा सा मैजिक होता है आपकी लाइफ में। मॉर्निंग में जो आप एक उठते वक्त आपकी जो आलसी रहती है पूरे दिन के लिए, आपको बिल्कुल आपकी आलसी हट जाएगी, लेजीनेस आएगा ही नहीं और आप बिल्कुल ओके बिस्तर को आराम से छोड़ पाएंगे। ओके मैम, थोड़ा सा आप जो पॉइंट आपने हाथ में बताया, एक बार फ्रंट हाथ को आगे करके एक बार दिखा दे, कौन से पॉइंट क्या चलिए बोल। इस तरीके से हाथेल के अंगूठे के जस्ट नीचे, अंगूठे के ओके जस्ट ओके पास में जी। तो है ना, इसको आप इसे इसको टाइटली रोटेट करना प्रेस है। करें। ओके हाँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 10। ओके 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 ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
ये बहुत सर प्रीशियस बहुत बहुत नॉलेज आपने धन्यवाद हमें दिया आपका। है जी। तो जो लोग इस पॉडकास्ट में अब तक रुके होंगे अंत तक, निश्चित रूप से उन्हें इस चीज़ का लाभ मिलेगा, और इस टिप को लेकर के विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट किसी थेरेपी को लिए हुए भी वो अपने जीवन में इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं, और विदाउट मेडिसिन ये काम करके वो तनाव से मुक्त हो सकते हैं, और तनाव स्ट्रेस इन तमाम चीज़ों से मुक्त होकर के वो अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, कुछ और आप कुछ और मैसेज देना चाहेंगी? सर बस मैसेज मेरा यही है कि छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास ना भागें और अपने आप को खुद से क्योर करने की चीजों को सीखें और समझें, क्योंकि हर वक्त मेडिसिन हर चीज के लिए अच्छी नहीं होती। तो बिना मेडिसिन के अगर आपको कहीं पर भी बैठ के आपकी बॉडी में आप रिलीफ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि एक बार आप इन सब पद्धति को जाने और समझें और अपने जीवन में भी इन सबको डेली यूज करना स्टार्ट करें। थैंक यू ओके सर। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने अपना आज हमें समय दिया, आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, आपका टाइम हमें मिलता रहेगा, और ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, वैसी वैल्यूबल जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे, और हमारे दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें अपने अनुभवों को। आज के इस पॉडकास्ट से आपको कौन तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली, आप कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम नाम लेकर के उनके उत्तर को देंगे, और मैडम के माध्यम से उनके सभी प्रश्नों के जवाब भी दिए जाएंगे। किसी के मन में कोई और प्रश्न भी उठ रहा है इन सभी चीज़ों से संबंधित या जीवन से संबंधित, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आगे हम मैडम का इंस्टाग्राम और तमाम अदर हैंडल्स के लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट आप वहाँ पे जाके उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम खनुजा मैम, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी मच, इट्स माय ओके प्लेजर सर। थैंक ओके तो इस पॉडकास्ट को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। तो जल्दी मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।